नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बारे में। दोस्तों कुछ पुरानी वैकेंसी थी जिसको लेकर ऑफिशियल अपडेट अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है। वैकेंसी दोस्तों रद्द करने का दिया गया था ऑर्डर, लेकिन उस वैकेंसी को राज्य सरकार ने तत्काल में जो चुनाव को देखते हुए एवं वैकेंसी के आंकड़े को देखते हुए रद्द कर न करके उस पर पुनर्विचार के लिए भेजा गया है। ठीक है, मतलब अध्याचन को फिर से संशोधित करने के लिए भेजा गया है। कौन सी वैकेंसी है उसके बारे में क्या अपडेट है, रद्द होगा कि नहीं होगा, आपको हमारे चैनल में पूरा डिटेल दिखाया जा रहा है। तो चलते हैं बिना लेट किए न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ से क्या है, उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे यदि अधीनस्थ सेवा चैनल या यूपी सरकार की किसी भी वैकेंसी का ऑफिशियल अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों न्यूज़ देखते हैं क्या है। दोस्तों आप देख चुके हैं कि हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के। यहाँ पर दोस्तों नीचे जाएंगे, थोड़ा लेंदी नोटिस है आपको डिटेल में दिखा दे रहा हूँ पढ़ के क्या दिया है उसमें, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, डाउनलोडिंग दोस्तों हो रही है और लगभग समाप्त हो चुकी है। यहाँ पे देख क्या दिया है, आयोग के विज्ञापन संख्या 28/2016 ठीक है 2016 की भर्ती थी। सम्मिलित अवर अभियंता उप वास्तुविद सामान्य प्रतियोगी परीक्षा 2016 सेकेंड के बारे में दिया गया। इसमें आप देख सकते हैं वैकेंसी का ब्यौरा भी दिया गया, कितनी वैकेंसी थी। यहाँ पर वैकेंसी देख लीजिए आपके 483 थी। ठीक है, अब इसके आगे मेन चीज़ आपको दिखा दे रहा हूँ क्या क्या विभाग था, वो भी आप देख चुके हैं यहाँ से दिया है। ये कोई मैटर नहीं है, कुछ इसका मैटर फंसा हुआ था विभागीय भर्ती को लेकर कि विभागीय प्रमोशन करके भर्ती को पूरा किया जाए ना कि भर्ती किया जाए, लेकिन सरकार की अलग मंशा है, विभाग की अलग मंशा है कि सरकार के आगे किसी की नहीं चलती है। विभाग ने रद्द करने के लिए दिया था दिया चल, लेकिन रद्द नहीं हुआ। उसके बारे में विशेष आपको दिखा दे रहा हूँ क्या दिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है, यहाँ से आप देख लीजिए मेन चीज़ यहाँ से देखिए आप। ठीक है, यहाँ पे दिया दोस्तों कि 16/3/2020 को अवर अभियंता वास्तुविद के जो 103 पदों पर जो कार्रवाई थी उसको स्थगित करने की बात कही गई थी। ठीक है, स्थगित करने की बात यहाँ पे कही गई थी, लेकिन जुलाई को 2020 को यह निर्णय लिया गया कि चूंकि आयोग पर इस पर पदों को स्थगित करने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, अतः आयोग के उक्त विज्ञापन संख्या 28/2016 के सारणी, ठीक है आप देख लीजिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे टोटल मैटर दिया है। अध्याचा देखिए यहाँ पे 80 पद दिया है, यहाँ पे 17 पद यहाँ पे दिया है और टोटल यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है अध्याचन को उनके मूल रूप में वापस कर दिया जाए। ठीक है, मतलब जो जहाँ से वैकेंसी आई थी उनको वापस कर दिया जाए। उसके बारे में देखिए चर्चा दिया आगे भी, यहाँ पर देखिए मेन मैटर क्या दिया है। देखिए यहाँ पे दिया है विज्ञापन संख्या 28/2016 के अंतर्गत आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आयोग के उक्त संख्या 28/2016 में प्रकाशित अवर अभियंता एवं तकनीकी सहायक के कुल रिक्त पदों की संख्या 489 के स्थान पर 386 पढ़ी जाए तथा प्रश्नगत विज्ञापन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। ठीक है, मतलब जो आपके 108 वैकेंसी की जो बात की गई थी 103 ऊपर वाली, उसको अब कैंसिल कर दिया गया है। जो भी भाई उसमें आवेदन किए हैं अब उनको अन्य पद के लिए हो सकता है आवेदन का मौका दिया जाएगा या संशोधन लिस्ट जारी किया जाएगा जिसमें आपको अपने जो भी वैकेंसी का है डिटेल उसको संशोधित करने का मौका दिया जाए। अर्थात मतलब आपकी 103 वैकेंसी कैंसिल कर दी गई है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, अच्छी बात यह है कि पूरी वैकेंसी कैंसिल नहीं हुई है, नहीं इस तरह पूरी वैकेंसी भी कैंसिल कर देती है, लेकिन चुनाव है इस टाइम कोई वैकेंसी कैंसिल नहीं करेगी, यही आपकी वैकेंसी हटा दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक यही न्यूज़ थी, कोई दिक्कत होगी कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन बता दूंगा कोई दिक्कत होगी। ठीक है, चलते हैं अभी तक के लिए, जल्द से जल्द एक नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।